खबर है राजस्थान से, आपको बताते चले राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। वहीं आज जयपुर दिल्ली बाईपास पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास होगा। जी हां, आपको बताते चले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का जयपुर में बनने वाले आरसीए के नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बीसीसीआई अध्यक्ष गौरव गांगुली, सचिव जय शाह और कोसा अध्यक्ष अरुण धूमल और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत वर्चुअल रूप से मौजूद रहेंगे। जी हां, आपको बता दें सबसे पहले चौंप गांव में भूमि पूजन किया जाएगा। इसी दौरान जिला क्रिकेट संघों के सचिव और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जबकि शिलान्यास पट्टिका का वर्चुअल अनावरण समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम में आरसीए अकादमी में होगा। वहीं पहले चरण में स्टेडियम निर्माण में कुल 280 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें स्टेडियम के साथ ही प्रैक्टिस ग्राउंड, हॉस्टल, स्पोर्ट्स क्लब और जिम भी बनाया जाएगा। वहीं आपको बताते चले सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह राजस्थान के क्रिकेट प्लेयर्स के लिए एक अच्छा मौका, प्रदेश में प्रोफेशनल क्रिकेट का अच्छा माहौल है। वहीं दुनिया के 10 में से 7 बड़े स्टेडियम भारत में हैं और राजस्थान का ये स्टेडियम तीसरे स्थान पर होगा। यह हमारे लिए गौरव की बात है। इस क्षमता के लिहाज से मोटेरा और मेलबर्न के बाद दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम होगा। जी हाँ, आपको बता दें पहले चरण में 40,000 और दूसरे चरण में 35,000 दर्शकों की क्षमता विकसित होगी। वहीं पहले फेज की निर्माण लागत 300 से 350 करोड़ आएगी। इसके लिए बीसीसीआई से 100 करोड़ मिलेंगे और 100 करोड़ का लोन लिया जाएगा। वहीं हाउस पेवेलियन एवं आरसीए स्वयं खर्च करेगा। वहीं अहमदाबाद में बने मोटेरा स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1,10,000 है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी की क्षमता 1,00,000 दर्शक है। वहीं ऐसे में मोटेरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर स्टेडियम है। जी हां, आपको बता दें वहीं अब जयपुर में बनने वाला यह स्टेडियम देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाएगा। यहां 75,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था